नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोराटोशन। तो आज की वीडियो बड़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नई टाटा 2023 नेक्सॉन फेसलिफ्ट पे अपना 1 लाख से भी ज़्यादा तक का अमाउंट बचा सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप जो है इस गाड़ी पे अपनी अच्छी खासी अमाउंट 1 लाख से भी ज़्यादा तक सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने नेक्सॉन 2023 का एक ऐसा बिल्ड क्वालिटी टेस्ट किया जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हमने एक्सरे मशीन से यूज़ करके ये बताया कि जो मेटल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी है, और ये हमने टाटा नेक्सॉन का जो रिव्यू किया उस वीडियो में आपको बताया। इसके अलावा हमने ब्रेजा के साथ कंपैरिजन भी किया बिल्ड क्वालिटी टेस्ट का, और असलियत लेके आए आपके सामने। तो वो वीडियोज़, दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं जिनका बजट थोड़ा कम है या अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे जो है वो लोग बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें हमारे पहले पॉइंट के बारे में। तो आप सब ने देखा होगा कि हर स्टेट का जो रोड टैक्स होता है वो अलग होता है। तो यहाँ बात करें अगर हम कर्नाटका की, या फिर अगर हम बात करें केरला की, तो स्टेट वाइज जो है टैक्स हर स्टेट में बिल्कुल अलग है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं कर्नाटका का ही लेके चलूँ तो 5 से 10 लाख की जो गाड़ी है उस पर जो है 14% टैक्स लगता है। वहीं 10 से 20 लाख की गाड़ी है तो उस पर 17% टैक्स लगता है। और ये दोस्तों बात बड़ी ध्यान देने वाली है, ये हर स्टेट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के लिए। तो यहाँ अगर हम नेक्सॉन की ही बात करें तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, आप चाहे जो भी वेरिएंट प्लान करें उस पर ये बात ज़रूर अप्लाई कीजिएगा कि नेक्सॉन का जो स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है जिसमें सनरूफ भी मिलता है, तो वो वेरिएंट जो है 9,69,000 यानी कि 9,69,000 का आपको देखने को मिलता है। वहीं प्योर एस वेरिएंट की बात करें तो 10,19,000 का वो देखने को मिलता है। तो अगर आप इन दोनों वेरिएंट में से कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आप ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पे आप जो नेक्सॉन का प्योर एस वेरिएंट है उस पर सीधा सीधा आप 40,000 के आसपास का सीधा रोड टैक्स जो है एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि 14% से 17% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो ये जो 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप, आपको उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 1 लाख का है, और 1 लाख के डिफरेंस के बाद आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ लग्जरी फीचर्स हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है आपको सनरूफ ओपन करने के लिए। इसके अलावा आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, रूफ रेल्स, रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिल जाते हैं। तो ये फीचर अगर आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है तो आप 1 लाख एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये फीचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रियर एसी वेंट जैसा कि जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आप बाहर से लगवा सकते हैं, जिसपे आपके 3 से 3,500 एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसपे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे फीचर नहीं चाहिए, कोई एक आधा फीचर अगर फिर भी आपको रियर एसी वेंट जैसा चाहिए तो आप बाहर से इजीली लगवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना इजीली अपना अच्छा खासा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 40,000 एक्स्ट्रा टैक्स देने की बजाय आप उसके फीचर्स लगवा सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया था, आप अपने स्टेट वाइज रोड टैक्स के हिसाब से कोई भी वेरिएंट लेते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, हमारी एक एक वीडियो पे काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगले पॉइंट की अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो जो लोग बेस वेरिएंट प्लान करते हैं, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि बेस वेरिएंट में आपको रियर पावर विंडोज़ देखने को नहीं मिलती, आपको मैनुअल विंडोज़ ही देखने को मिलती है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को नहीं मिलता। तो लगभग आपको बेस वेरिएंट से अपर वेरिएंट की तरफ अगर जाते हैं तो उसमें आपको 1,20,000 से ज़्यादा तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है 99% लोग ये जानते नहीं है कि जो रियर विंडोज़ हैं वो आप मैनुअल को पावर विंडोज़ में कन्वर्ट करा सकते हैं। सिर्फ 3,000 आपको पर विंडो का चार्ज लगता है। हमने काफ़ी सारी गाड़ियों पर वीडियो भी बनाई है, डिज़ायर पर ये देखिए कि चारों विंडोज़ जो मैनुअल आती थी वो उनको पावर में कन्वर्ट किया है, तो बड़े अच्छे से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6,000 के आसपास आपका खर्चा होता है। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बात करें तो सभी गाड़ियों के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो आपको ऑनलाइन भी या फिर ऑटो मार्केट में भी जाएंगे तो 1500 से आपको थर्ड पार्टी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जेन्युइन लगवाना चाहते हैं तो वो 4,000 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर भी आप जो है एक्स्ट्रा बाहर से लगवा सकते हैं। रियर एसी वेंट्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बढ़िया से बढ़िया टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आप मैक्सिमम जो है 10,000 to 20,000 के बीच में बड़ा ही अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके लिए सारे फीचर इंपॉर्टेंट है और आपके लिए पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप कंपनी फिटेड फीचर चाहते हैं तो आप 1,20,000 एक्स्ट्रा देकर अपर वेरिएंट ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक या दो फीचर ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप 1,20,000 एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको बाहर से लगवा लेने चाहिए, जहाँ पे आपके 5 से 10,000 या 20,000 तक मैक्सिमम एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके अलावा आपका सारा जो अपर वेरिएंट पे पैसा लगना था वो आपका सेव हो जाएगा। तो
आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये जो सारी एसेसरीज है ये प्लग एंड प्ले आती है, इनमें कहीं भी वायर कट नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे वाले पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैक्सिमम लोग जो है आई थिंक 99% लोग ये नहीं जानते, जो लोग भी कॉरपोरेट कंपनीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं, कंपनीज़ में ये पॉलिसीज़ होती है कि अगर आप कंपनी के थ्रू गाड़ी लेते हैं, अपनी कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जो है सेव होता है। मेरी कंपनी में भी ऐसा होता है, मैं भी प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने गाड़ियां ली हैं। तो उस पे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होते हैं। सपोज़ आपने 9 लाख का लोन लिया और हर साल की जो 3 लाख की आपकी ईएमआई बनती है हर साल, तो 3 लाख पे आपको जो है अगर आप 30% की स्लैब में आते हैं तो 3 लाख पे आपका लगभग 90,000 का जो आपका टैक्स सीधा सीधा बचेगा अगर आप 30% वाली स्लैब पे आते हैं। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और अपनी कंपनी में ज़रूर पता करें, अगर आपकी कंपनी में ये पॉलिसी है तो आप भी ये फ़ायदा जो है ले सकते हैं। प्लस आपको इंटरेस्ट भी नहीं भरना पड़ता, वो भी कंपनी पे करती है, लेकिन गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम रहती है जितना टाइम गाड़ी की ईएमआई जो है वो ख़त्म नहीं होती, तो उसका मुझे तो कोई नुकसान लगता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जब भी वो गाड़ी बुक कराते हैं तो गाड़ी बुक कराने पे ये सोचते हैं कि जो नेगोशिएशन वो करेंगे वो गाड़ी खरीदने के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। जब भी नेगोशिएट करना है बुकिंग कराने से पहले ही नेगोशिएट करें, क्योंकि सेल्स पर्सन तभी इंटरेस्टेड होता है नेगोशिएशन में जब तक आप गाड़ी बुक नहीं कराते। गाड़ी बुक कराने के बाद उनका काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ऐसे केस में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो पहले नेगोशिएट करें उसके बाद बुक करें, ट्राई करें। अदर सिटीज़ में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो काफ़ी सारे डीलरशिप्स होती हैं, वहाँ पर आप नेगोशिएशन करें, बाकी डीलरशिप से कोट्स लें और उसके बाद कंपैरिजन करें और बताएं कि हमें दूसरे डीलरशिप से इतना डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉरपोरेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक डिस्काउंट भी मिलता है जो अलग अलग कंपनी पे वैरी करता है। टाटा मारुति, मारुति में 8,000 से 10,000 से 20,000 तक आपको कॉरपोरेट डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह के अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डीलरशिप्स होता है उनका अच्छा खासा मार्जिन होता है इंश्योरेंस में, फाइनेंस में। तो ऐसे केस में आप ज़रूर बाहर से भी कोट्स लें, इंश्योरेंस में आप अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। जो लगभग डीलरशिप में आपको इंश्योरेंस देखने को मिलता है वो लगभग डबल साइड में आपको देखने को मिलता है। अगर आप वही इंश्योरेंस बाहर से लेते हैं तो गारंटी से आप 20,000 से 30,000 एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं नई गाड़ी पे। वही सेम चीज़ जो है आपकी लोन पे भी डिपेंड करता है, अगर आप लोन डीलर के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पे भी उसका जो मार्जिन होता है, तो वो भी अगर आप बाहर से ट्राई करते हैं तो आपको अमाउंट जो है 5,000 to 10,000, 20,000 के आसपास की अमाउंट आपकी सेव हो सकती है। आप ट्राई करें, अगर आपको नहीं ऐसा लगता है तो आप डीलरशिप से भी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी ये नेक्सॉन गाड़ी किसी होटल के लिए या फिर आप अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप अपना टैक्स बचा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। सपोज़ आपका एक होटल है और आप होटल में गाड़ी जो है अपनी यूज़ करते हैं बिज़नेस पर्पज़ से, तो उस केस में आप जो भी GST पे करते हैं गाड़ी के लिए, जो गाड़ी से आपको प्रॉफिट होता है, तो वो GST आप इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे क्लेम कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। तो ये जो सारा GST आप भरते हैं वो सारा का सारा आप रिफ़ंड ले सकते हैं ITR फिल कराते हुए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आप नेक्सॉन खरीदते हुए आपने काफ़ी सारे अमाउंट जो है बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।